हम जिस धरती पर रहते हैं वो चमत्कारों से भरी हुई है। अलग अलग मौसम, फूल, पत्ते, चिड़िया, न जाने क्या क्या चीज़ें, इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। पौधों को बढ़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे तो स्वयं ही बढ़ते जाते हैं। फूलों में रंग भरने के लिए चिड़ियों का सहारा लिया जाता है, और चिड़िया की आवाज़ सुनकर मधुमक्खियाँ फूलों को खिलाती हैं। फूलों पर बैठी तितलियों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके कारण कितने फूल पोषित हो रहे हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हुई तितली इस बात से अनजान होती है कि फूलों को खिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखें तो प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि चमत्कार ना हो रहे हो। सोचिए, मिट्टी जैसी सख्त परत के अंदर से जब एक पौधा निकलता है, यह भी कोई छोटा चमत्कार नहीं है। एक मिट्टी में से कैसे पौधा निकल सकता है, और फूलों में रंग कौन भरता है, तितलियों में रंग कौन भरता है, और ये बिल्कुल सटीक एक पैटर्न में क्यों होते हैं? तो ये सब सोचने के लिए अभी हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं है कि हम इनको जान पाए। क्यों हम नहीं समझ पाते चिड़ियों की आवाज़ों को? विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन विज्ञान हमें सिर्फ प्रकृति की जो चीज़ें काम में आती है वही समझाता है। विज्ञान सिर्फ आपको ये समझा सकता है कि जो चीज़ें हैं वास्तव में जो काम कर रही हैं चीज़ें, विज्ञान इससे बढ़कर नहीं है, प्रकृति सबसे बढ़कर है। प्रकृति में आए दिन एक ना एक अजूबा आपको देखने को मिल ही जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाइए और ये प्रकृति आपको अजूबों से भरी हुई दिखेगी। जहाँ देखोगे वहीं चमत्कार हो रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपने आसपास देखिए किस तरह के चमत्कार आपको दिख रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ दादी माँ के किस्सों में से एक किस्सा जिससे कि हम सब परिचित हैं, डैंडीलोन का विष। देखिए, बचपन से ही मैं विष मांगता हुआ आ रहा हूँ। जब भी मुझे कभी ये दिख जाता था उड़ता उड़ता हुआ, तो मैं भाग कर उसे पकड़ लेता था और विष मांगता था। और अब जाकर मुझे पता लगा है कि ये पूरा प्रोसेस क्या था और कैसे ये काम करता है। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आपको चाहिए एक अटूट विश्वास और एक दृढ़ संकल्प कि ये चीज़ काम करेगी। अगर आपका विश्वास पक्का है, अडिग है, तो ये चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। आपको बस इस प्रकृति से मांगना है कि मुझे ये चाहिए, और माध्यम बनेगा हमारा डैंडीलॉन। तो मांगे पृथ्वी से, मांगे इस प्रकृति से कि मुझे ये चाहिए। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ जिसमें कि डैंडीलॉन के बहुत ही आश्चर्यजनक उड़ान के तरीकों के बारे में पता लगाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है किसी को अपना विश पूरा करने के लिए। आपका अगर कोई विश हो तो उसका आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहीं उड़ता हुआ दिख जाए, हमारे भारत में ये मुश्किल से ही कहीं मिलेंगे, लेकिन जो आग का पेड़ होता है, आग के पेड़ के जो फूल होते हैं वो भी यही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको बस करना इतना है कि जब भी ये आपको उड़ता हुआ दिखे तो इसको पकड़िए। ध्यान रहे कि ये टूटे ना। ये बिल्कुल जो भी आपने देखा जी, ये टूटना नहीं चाहिए, और इसको फूंक मारते हुए एक विश मांगिए कि मुझे ये चाहिए, और ये प्रकृति आपको वो देगी। अगर हो सके तो 11:11 पे एक विश मांगिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी विश होगा, जो भी आपकी मुराद होगी, वो ज़रूर सुनी जाएगी। परमेश्वर पर विश्वास रखिए और अपना विश मांगिएगा, तो ये प्रकृति आपको वो सब देगी जो आप चाहते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं मैं चाहूंगा कि वो सारी पूरी हो जाए। थोड़ा सा बड़ा सोचिए। थैंक यू।